बात बिहार की। बिहार में बाढ़ के हालात में कुछ सुधार तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मुसीबत जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। बाढ़ ने जिन जिन इलाकों को अपनी चपेट में लिया है वहां बहुत नुकसान कर दिया है। बिहार के कई इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं, बाढ़ पीड़ित अभी भी अपने हाल ही पर हैं, सरकार नदारद है। जितना पानी उतनी परेशानी। बिहार में तो लगता है कई इलाकों के लिए इन परेशानियों का कोई अंत ही नहीं है। मोतिहारी जिले में तो बाढ़ अब भी एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है। बंजरिया प्रखंड में सिकरहना नदी में इस कदर पानी आया कि पूरा इलाका जलमग्न हो गया। चारों तरफ बस पानी ही पानी, सारी सड़कें सारे रास्ते पानी में कहीं गुम हो गए। क्या बिहार की नियति में बाढ़ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बाढ़ हर साल आती है और हर साल इसी तरीके का दुख दर्द बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोग झेलते हैं। मैं बंजरिया प्रखंड में इस वक्त मौजूद हूँ मोतिहारी जिले का, और सामने देखिए एक नाव आपको चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। चूंकि ये जो बंजरिया ब्लॉक है यहाँ पर करीब करीब 2 लाख आबादी है जो बाढ़ से प्रभावित रहती है। अब इनके लिए एकमात्र सहारा अगले 2-3 महीनों तक यही नाव है। नाव पर बैठ करके ये लोग यहाँ से करीब करीब 7 किलोमीटर अंदर जाना और वहाँ से वापस आना, और नाव पर ही बाइक है, मतलब बाइक भी नाव पर है और सामान बच्चे सबको इसी तरीके से। आपको मैं एक बात साथ साथ बता दूं कि ये जो इलाका है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये निचला इलाका है, और निचला इलाका होने की वजह से जब भी बाढ़ आती है इस इलाके में सबसे पहले लोग प्रभावित होते हैं। कुछ लोगों को नाव नसीब हुई, लेकिन पानी से घिरे कई गांव से निकलने का कोई और छोर नहीं नजर आया तो लोग जान जोखिम में डालकर खुद ही जुगत करने लगे। ये देखिए, बाढ़ का पानी तेज प्रवाह से बढ़ रहा है और घुटने से ऊपर तक पानी में डूबकर और दोनों किनारों पर रस्सी बांधकर लोग पैदल ही इस मुसीबत से निकलने की जद्दोजहद करने लगे। अभी स्थिति ये है कि इस तरीके का नाव है, इस नाव पर ये नाव जब तक भरेगा नहीं तब तक नाविक इनको लेकर जाएगा नहीं, इनको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे इसी तरीके से इंतजार करना पड़ता है, और यही नाव सहारा है। पानी जो आता है वो पानी रुक जाता है, यहाँ जल जमाव भी बड़ी समस्या है, बाढ़ के साथ जल जमाव भी है, और ये लंबे समय तक होता है जिसके कारण से जो खेती है वो भी प्रभावित हो जाता है। तस्वीर जो है वो इस तरफ का दिखा दूं, चूंकि 13 पंचायत का ये ब्लॉक है बंजरिया ब्लॉक, और इसी तरीके से करीब करीब 10 पंचायत ऐसे हैं जो पानी में पूरी तरह डूबे हुए हैं, और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही जलमग्न ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल विनाश लीला चल रहा हो, और ये स्थिति हर साल, जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं कि हर साल ऐसी ही स्थिति होती है। बाढ़ में घिरे इन गाँव में सबसे बड़ी चुनौती है मरीजों को अस्पताल तक पहुँचाने की। गोपालगंज इलाके की ये तस्वीर देखिए, बाढ़ में घिरे गांव से जब निकलने का कोई इंतजाम नहीं हुआ तो ये पिता अपने बीमार बेटे को चारपाई पर बिठाकर पैदल ही अस्पताल पहुंचाने निकल पड़े। तबीयत खराब है लड़का, कोई से हम लोग पैदल लेकर जा रहे हैं पानी हल्के। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है तो... कुछ भी नहीं है। अच्छा, सब नेता होता खा जाता है पैसा। कहाँ लेके जाएंगे इन लोगों को? हम लोग लेकर जाएंगे बांध पर। अच्छा, नवादा। तो कैसे कितना दूर के सफर करना? अरे कम से कम 2-4 किलोमीटर है। मजबूरी की ऐसी तस्वीर मोतिहारी में भी दिखी,
सड़क किनारे एक बीमार महिला खाट पर पड़ी दिखी। गांव से अस्पताल तक के रास्ते में बाढ़ का पानी भरा है, लेकिन नाव वाले ने पार कराने के लिए 1,000 रुपए वसूल लिए। तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ, महम्मदपुर गांव से ये महिला पहुंची है खाट से, नाव के सहारे, यानी नाव पर खाट लादा गया और खाट पर ये महिला थी और उसके बाद इनको पानी से करीब 3-4 किलोमीटर अंदर से नाव यहाँ पहुंची, फिर इनका इलाज हुआ। क्या क्या नाम है आपका? शाहजहान खातून। शाहजहान खातून। इन ये जो मरीज है ये आपकी कोई? 2 दिन बाद। ये बताइए, बाढ़ के समय में मुश्किल हुई, दिक्कत हुई? हाँ, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी, उलझन से, कालू से, मैंने अथी घिरी काटत काटत ताज लेकर हम आए, बहुत मजबूरी में कि कोई नाव वाला नहीं सकार रहा है ले आने के लिए, तो खाट पर लाद के हम लोग ले आए। बाढ़ से सबसे प्रभावित बंजरिया क्षेत्र में हालात ये है कि कीचड़ और मिट्टी से सने रास्तों पर पुलिस कर्मियों को ट्रैक्टर ट्रॉली में गश्त लगानी पड़ रही है। ये हाल इसलिए हुए क्योंकि मोतिहारी जिले के बंजरिया प्रखंड की कुल 13 में से 10 से ज्यादा पंचायतें बाढ़ में घिरी हुई हैं। छपरा में लगातार हुई बारिश से जो जल जमाव हुआ वो दोहरी मुसीबत लेकर आया है। सदर अस्पताल इस कदर पानी पानी हुआ कि नई नई बनी आरटीपीसीआर लैब भी टापों की तरह नजर आ रही है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। बिहार में गोपालगंज इलाके में गंडक नदी ने किस कदर कहर बरपाया, इस पर एबीपी न्यूज आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। हालात का जायजा लेने के लिए हमारी टीम पहुंची गोपालगंज के बैकुंठपुर इलाके में, जहां कई गांव अभी भी टापू बने हुए हैं। हमारी रिपोर्ट देखिए। बिहार में फिलहाल बारिश कम हो रही है, इस वजह से जो बाढ़ का असर है वो भी लगातार कम हो रहा है। नेपाल भी जो पानी का डिस्चार्ज है उसको लगातार कम कर रहा है, इस वजह से हालात फिलहाल कुछ सुधरते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिन इलाकों में गंडक का पानी घुस गया था वहां आज भी बाढ़ जैसे हालात हैं और पानी अब तक नहीं निकला है। मैं गोपालगंज में मौजूद हूँ और ये इलाका है बैकुंठपुर का, जहाँ शीतलपुर, पकहा और बहरामपुर जैसे ये सारे तमाम अलग अलग गाँव हैं यहाँ पर, जिस जगह पर मैं हूँ। और इन सारे गाँव में आप देखिए अभी तक जो पानी लगा हुआ था गाँव के अंदर वो थोड़ा नीचे ज़रूर आया है, लेकिन गाँव के चारों तरफ पानी है और गाँव तक संपर्क का साधन सिर्फ और सिर्फ नाव है। पानी का असर इतना है, ये सामने तरकुल के पेड़ हैं और आप देखिए तरकुल के पेड़ बहुत ज़्यादा हाइट वाले पेड़ होते हैं और यहाँ पे बिल्कुल पेड़ का 2/3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। बगल में भी जो बांस वगैरह की खेती हो रखी है उन सब खेती में भी पानी लगा है। और अगर घरों का हाल दिखाऊं तो आप देखिए कि ये जो गांव हैं इन गांवों में इस वक्त जो पानी है वो थोड़ा नीचे ज़रूर आया है, क्योंकि हम यहां देख पा रहे हैं ये जो घर बने हुए हैं इनमें लाइन दिखाई देगी आपको कि वहां तक पानी था, यानी कि लगभग 5 फीट के आसपास पानी था, लेकिन वो पानी फिलहाल घट गया है और जो बाकी गाँव के लोग हैं वो गांव से बाहर जाने के लिए सिर्फ नाव पर ही सवार हो सकते हैं। हालत कैसे है आपके घर के, सब लोग यहीं हैं कि निकल गए हैं? निकल गए हैं, एक आदमी है जा। बाकी लोग वो वहीं बा। बांध पे। ये बताइए कितने हर साल यहाँ पे दिक्कत होती है? हर साल बाढ़? हर साल दिक्कत है, हर साल बाढ़ आते हैं, देखते हैं इतना पानी तो है पर है। कितना पानी था यहाँ पे? यहाँ इतना पानी था छाती भर। अच्छा, अभी जानवर को वहाँ कैसे खिलाते पिलाते? चराते हैं, क्या करे सर, हाँ ऐसे भी रहते हैं। हाँ, कितना नुकसान हुआ भूसे वगैरह से? भूसा तो इसमें सर 8 क्विंटल था। 8 क्विंटल पूरा खराब? पूरा खराब हो गया सर, घर गिर गया है, सब खेती दही खाए के दिक्कत हो गई। घर में खाने को नहीं ना, सब चूल्हा चकेती हो गई, बनाए के दिक्कत हो गई। ये लोग कच्चा घर बना के गांव में रहते हैं क्योंकि इतने पैसे नहीं है, पिछले साल बाढ़ आई, गिर गया, फिर कुछ पैसे खर्च किए, फिर एक घर बनाया, उसके बाद फिर अभी थोड़ी सी बाढ़ आई और इस थोड़ी सी बाढ़ में ही घर गिर गया। ये बुजुर्ग जो है इनका कहना ये है कि चूंकि बांध पर रह रहे हैं, पॉलिथीन लगा कर रह रहे हैं, ऐसे में सरकार को कम से कम खाने पीने का इंतजाम और साथ ही वहाँ पर चूंकि अंधेरा होता है, कई सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, ऐसे में जनरेटर का व्यवस्था कर देना चाहिए ताकि जो लोग फिलहाल बांध में हैं उन लोगों को एक सहूलियत मिल सके और थोड़ी रोशनी और खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए, यही काफ़ी। ऐसे में आप सोचिए कि जीने का अधिकार सिर्फ सरकार से इस मांग के साथ पूरा हो जाएगा कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए और
थोड़ी सी बिजली मिल जाए ताकि अंधेरे में उनके बच्चे सुरक्षित रह सकें। यही मांग है, शायद उम्मीद है कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह और अपने सहयोगी अवधेश रंजन के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, गोपालगंज, बिहार। तो बाढ़ की त्रासदी हमने आपको दिखाई, हर साल यही तस्वीरें निकलकर सामने आती है, लेकिन सरकारों के ऊपर कोई असर नहीं। जांच एजेंसियों को अब तक की जांच के दौरान विदेशों से फंडिंग के सबूत मिले हैं, साथ ही इस मामले में दूसरे संगठन की भूमिका की भी जांच की जा रही है। ये संगठन दिल्ली में ही है और इसके प्रमुख को कन्वर्जन का खलीफा के नाम से जाना जाता है। यूपी एटीएस ने सोमवार को दो लोगों को गिरफ्तार कर दावा किया था कि गरीब और मूक बधिर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने वाला रैकेट सक्रिय है। इस मामले में गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के दौरान अहम खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों को पता चला है कि साजिश में केंद्र सरकार के बाल महिला कल्याण मंत्रालय का एक अधिकारी भी शामिल है। जांच से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि अब इस अधिकारी से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है कि अधिकारी पैसों के बदले आरोपियों की मदद करता था या वो भी इस साजिश का एक हिस्सा था। सूत्रों का कहना है कि ये अधिकारी भी उमर गौतम की तरह पहले हिंदू था, जो बाद में धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गया था। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में जांच एजेंसियों को कुछ अहम सबूत हाथ लगे हैं, जो साफ तौर पर विदेशी फंडिंग की ओर इशारा करते हैं। ऐसा ही एक अहम सबूत जो बताता है कि गिरफ्तार उमर गौतम के संगठन को कतर से चंदा मिला। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों के पास ऐसे अनेकों दस्तावेज हैं जिनमें देश और विदेश से आए डोनेशनों की अलग अलग जानकारियां हैं। अब जांच एजेंसियां ये जानना चाहती हैं कि इसमें कितना डोनेशन संदेहास्पद है, यानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भेजा गया है। जांच एजेंसियां इस मामले में जल्द ही इस राज का पर्दाफाश करने के लिए आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की मदद लेने जा रही हैं। जांच से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अब दूसरे संगठन की भूमिका भी खुलकर सामने आ गई है, लिहाजा उस संगठन के प्रमुख की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। इस संगठन के प्रमुख को कन्वर्जन का खलीफा कहा जाता है और इसका मुख्यालय भी इस मामले में गिरफ्तार उमर गौतम के कार्यालय के पास दिल्ली में ही है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रैकेट के खुलासे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। उन्होंने NSA के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आरोपियों की संपत्ति भी अब जब्त की जाएगी। और इसी बीच खुलासा ये हुआ है कि पिछले दिनों गाजियाबाद पुलिस ने डॉक्टर सलीमुद्दीन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। इस डॉक्टर के ऊपर भी धर्म परिवर्तन का आरोप लगा था। पुलिस कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। सलीमुद्दीन को जमानत मिल चुकी है। हालांकि ABP न्यूज की टीम जब सलीमुद्दीन के पते पर पहुंची तो किसी ने बात नहीं की और सलीमुद्दीन भी वहां नहीं मिला। इस वक्त हम गाजियाबाद के विजयनगर में मौजूद हैं डॉक्टर सलीमुद्दीन के क्लिनिक के बाहर। डॉक्टर सलीमुद्दीन तो बात नहीं कर रहे हैं मीडिया से, लेकिन उनके एक मित्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं अखलाक अहमद, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ। अखलाक जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर सलीमुद्दीन के ऊपर एक बड़ा ही गंभीर आरोप लगा है धर्म परिवर्तन करवाने का, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस ने इनको गिरफ्तार भी किया था लेकिन ये बात नहीं कर रहे हैं मीडिया से। वो आरोपित हैं और अंतरिम बेल पे हैं, तो ऐसा जब तक लीगल जो है हम उनको जानकारी नहीं होगी या वकील परमिट नहीं करेंगे तब तक वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। दूसरा, चूंकि वो हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट हैं तो उनका शुगर भी बढ़ा हुआ है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, तो इन हालात में वो कैसे आप लोगों से बात कर सकते हैं? जो आरोप उनके ऊपर लगा है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? शक्ति बुनियाद पर उनको आरोप लगाया गया है और वो ऐसे व्यक्ति नहीं है। और यहाँ पे देखिए, तमाम हिंदू आबादी है, कोई भी एक जो है इंसान से आप पूछ लीजिए, वो उनके बारे में बिल्कुल साफ कहेगा कि वो ऐसे व्यक्ति है ही नहीं। शादी समारोह में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां आई गई, सैकड़ों लोगों के सामने सांसद साहब को भी आप देख सकते हैं ठुमके लगाते हुए। तीसरी लहर के लगातार आगाज की बात की जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, और इस लापरवाही की तस्वीरों को आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि तीसरी लहर आ भी जाए। लापरवाही आप देखिए, सांसद साहब हैं शादी समारोह में भीड़ के साथ, और जिस शख्स के साथ डांस कर रहे हैं आप देख सकते हैं उसने मास्क नहीं लगा रखा है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।